देखो सस्पेंसर क्या हो रहा है गाइस, एकदम फटाफट नम रहा है, फटाफट उड़ जा रहा है, तो बाइक में ताकत नहीं मिल रहा है और लोड भी नहीं मिल रहा है गाइस। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, पिछला महीने वीडियो छोड़ा था का हाइड्रोलिक हम लोग रिपेयर कैसे करें, बजाज डिस्कवर बाइक का दिखाया था, उसमें कुछ कमेंट आ रहा था जो हीरो बाइक की सस्पेंसर हम लोग रिपेयरिंग किस तरह से करें। तो गाइस इस वीडियो में आपको बताऊंगा हीरो बाइक की अगर सस्पेंसर आप लोग रिपेयर करें तो क्या क्या डालें और किस तरह से खोलें, किस तरह से फिटिंग करें, ये आज मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला था, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइस मैंने खोल लिया, देखिए यहाँ ऑयल निकल रहा है, देखो, और पूरा ऑयल इसका जैसे बाहर हो चुकी है, दोनों शॉकर का हम लोगों का ऑयल निकल गया है। अब चलो ले जाते हैं जो शॉकर मैकेनिक है हमारे पास एक चाचा, उसके पास जाएंगे और उसे बोलेंगे चाचा इसे रिपेयर करके दीजिए। तो गाइस चाचा के पास आ चुका हूँ और ये है मेरे चाचा, तो चलो शॉकर को खोलते हैं। चाचा सबसे पहले खुलिए और क्या क्या हुआ है देखिए, और उसमें क्या क्या डालना पड़ेगा वो भी बताइए, ठीक है। मैंने पिछला वीडियो जो छोड़ा था तो काफ़ी सारे आदमी पूछ रहा था, जो चाचा काम बहुत अच्छा कर रहा है। तो चलो यहाँ देखिए जो हम लोगों का मैशिंग है खोलने के लिए, और इसने पुलार लगाया है, ऑटोमेटिक आहिस्ते आहिस्ते करके नीचे आ रहा है और ये नाट ऑटोमेटिक खुल जा रहा है। देखो खोलेगा, देखो आसानी से खुल गया, ढीला कर दिया, अब हाइड्रोलिक खुल गया है, एकदम खराब हो गया है रॉड, ठीक है, खराब हो गया है। चलो इसे भी खोलिए, पंप काम नहीं कर रहा है ना, एकदम गाड़ी चला रहा है तो एकदम ऊपर नीचे हो रहा है, तो सस्पेंसर एकदम ताकत नहीं मिल रहा है। तो खोल लिया है गाइस, अब नट खोलेगा और ऑयल सील वगैरह जितना भी है सब चेंज करेगा। तो गाइस ये हम लोगों का पंप, अगर पंप ज़्यादा ख़राब हो जाता है वो भी मिल जाता है। पंप आपके पास है पूरा सेट? हाँ सर। तो पूरा सेट हम नहीं लगाएंगे इसे। तो चलिए इसे आप लॉक खोलेंगे जो पंप का है, वाशर निकालना है, तो चलिए खोलिए। वाशर खुल गया है, चलिए रॉड को किस तरह से चाचा निकालता है देखिए, जैसे ऊपर लगाया है और नीचे से एक यहाँ जैसे कि भर दिया है, हाँ छेद है देखो, और देखो ऑटोमेटिक ये पंप हम लोगों का उड़ जाएगा, देखो ऑयल सील निकल आया। तो चलो ऑयल वगैरह चेंज कर देगा, सेम सेम प्रोसेस, और यहाँ देखिए बस आ गया है। ये जो रिपीट है ख़राब हो गई है, इसको थोड़ा ठीक करेगा। केरासिन तेल देकर वॉश करेगा और उसके अंदर जितना भी कचरा वगैरह है ये सफाई हो जाएगा। तो गाइस अब आपको दिखाता हूँ जो पंप रॉड है ये हम लोगों का ख़राब हो चुकी है। गाइस यहाँ देखिए ये इसका रह जा चुकी है, अगर हम इसे रख दें तो क्या दिक्कत होगा, जो ऑयल सील जो हम लोग न्यू डालेंगे ये ऑयल सील कट जाएगा और ऑयल निकल जाएगा और कंप्रेसर बाइक सस्पेंसर का ख़राब हो जाएगा। तो अगर पंप रॉड अगर हम लोग चेंज करें तो बेहतर होगा, और अगर इसी को लगा देते तो बेकूफ़ी होगा, तो इसे हम लोग साइड में रखते हैं, नया पंप रॉड लगाएंगे। दोनों ही ख़राब हो चुकी है गाइस, देखिए इसमें भी स्क्रैच आ चुकी है। तो हमारे पास चाचा का ये रॉड है और ये नया वाला बूस है, क्योंकि बूस भी क्या होता है कभी कभी ये ख़राब हो जाता है, छेद बड़ा हो जाता है और रॉड ख़राब हो जाता है। इसमें हम डालेंगे पंप रॉड, बूस और ऑयल सील और ऑयल, बस हम लोगों का शॉकर रिपेयरिंग हो जाएगा। तो गाइस हम लोगों को क्या ज़रूरत है, दोनों शॉकर का ऑयल सील, दो बूस और पंप रॉड। तो गाइस ये जो पंप रॉड है इसमें हम लोगों का एक पिस्टन होता है, ये ओरिजिनल पिस्टन है, तो अगर हम इसे खोलें तो किस तरह से खोलें, क्योंकि जो पंप रॉड है हम लोगों का उसमें पिस्टन नहीं आता था, आता है, अगर आता है तो अलग से आपको लेना पड़ता है, लोकल लेना पड़ता है, बट ये जो पिस्टन है ये जेन्युइन है, हम इसी लगाएंगे, तो इस रिपीट को खोलना पड़ेगा। ये देखिए इसको खोलेंगे चाचा, कटेगा और पॉलिश कर देगा इस जगह को और ये ऑटोमेटिक निकल आएगा। तो चाचा खोलिए। तो गाइस यहाँ घस चुकी है और देखो अच्छी तरह से घंसा है, अब इसको खोलेगा पिस्टन को, ठीक, देखो हम लोगों का पिस्टन निकल चुकी है।
सफाई कर लेते हैं। अब क्या डालेंगे देखो, सफाई कर करके डालो, ठीक है। सबसे पहले बूस्ट डाला, पत्ती ठीक है, इस पर पत्ती जो है स्प्रिंग पत्ती है। वाशर डालेगा, चार छेद वाला वाशर। अब सेम वाशर डालेगा, सेम वाशर, पतली वाले वाशर। उसके बाद एक वाशर और, बस। और इसमें नॉट बोल कर देगा। तो गाइस हो चुकी है, अब यहाँ नॉट डालना पड़ेगा। चलो ये नॉट लगा देते हैं। पहले नॉट नहीं था, पहले कंपनी का जो पंचिंग सिस्टम आता था और रिपीट सिस्टम, ये 10 mm का नॉट है। बस ये टाइट हो चुकी है, ठीक है। फिर वही प्रोसेस, बूस्ट डालना पड़ेगा। बस उठा, तो ये वाशर ख़राब हो चुकी है गाइस, ये वाशर नया डालना पड़ेगा। टूट चुकी है देखो, ये टूट गया है देखो, ये टूट गया है। चाचा देगा नया, इसके पास है काफ़ी सारे। चलो देखिए कितने सारे वाशर है, और एक वाशर, और एक वाशर चाचा डालना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो खेल रहा है ना, ये खेलना चाहिए। बस तो स्प्रिंग डाला और ये बूस्ट डालेंगे, ठीक है। नया ऑयल सील है, जा चुकी है। गाइस ये है पंप का जो बूस्ट है, इसमें डालेगा क्या, सबसे पहले देखिए ये डालेगा, डाल दिया है। अब ऑयल डालेगा, भाई का लेद भी है देखो। तो गाइस हम लोगों का यहाँ लेद भी है और सीट मैकेनिक भी है, और जैसे कि शॉकर मैकेनिक। तो गाइस अभी हम आपको दिखाते हैं जो कितना ml हम लोगों को देना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ से 50 ml और जैसे कि 60-70 ml जैसे कि लगता है गाइस, 70 ml हम लोगों को ऑयल ज़रूरत है स्प्लेंडर बाइक में। तो चलो लगाइए 70 ml। तो चलो ऑयल को भर देते हैं। गाइस ऑयल भी डाल दिया, अब पंप रॉड डालेंगे। तो यहाँ देखिए क्या क्या हमने लगाया, पूरा सिस्टम लगाया, देख लीजिए। अब इसे आहिस्ता करके डालेगा, बस। अब क्या करेगा चाचा देखो, ऐसे करके मारेगा, बस पंप हो चुकी है। तो अभी देखो नहीं आ रहा है, नीचे जा रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है बेटा, नहीं आ रहा है, अभी पंप होगा। तो चलो चाचा को रिपीट करने दो, उसके बाद देखते हैं कंप्रेसर कैसा आ रहा है, ठीक है। तो गाइस अभी पंच कर रहा है, तो गाइस देखो जो पंच है कितने अच्छी तरह से पंच किया है, कंपनी जैसा लग रहा है एकदम। और थोड़ा चाचा दिखा दीजिए पंप खिला के, नॉट लगाइए, नॉट लगा के दिखाइए। तो चाचा देखो अब कंप्रेसर दिखाओ थोड़ा, हाँ दिखाओ, हाँ देखो खसखस कर रहा है, ठीक है, एकदम खसखस कर रहा है। तो कंप्रेसर एकदम 100% आ चुकी है और एकदम बिल्कुल नया हो गया है। तो ये आसानी से 2 साल या 3 साल भी जा सकते हैं या, ठीक है। तो चलो दूसरे को फिटिंग करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। ये रॉड भर दिया है, ठीक है, बस। तो गाइस यहाँ 70 ml ऑयल है, तो चलो डालते हैं। चाचा डाल दो, हाँ डाल दो, चलो डालते हैं ऑयल इसके अंदर, डाल देंगे। तो गाइस यहाँ ऑयल डाल दिया है, तो चलो पंप डालते हैं। और वही प्रोसेस जो बूस्ट मारने के बाद यहाँ हम लोग पंच करेंगे और ऑटोमेटिक चल जाएगा। सफाई कर लेते हैं, चलो पंच करो। Yeah.
हाँ एकदम नीचे जीरो पे रखो, जिसमें कि सस्पेंसर हार्ड ना हो और कमर में दर्द ना करे, क्योंकि मेरा कमर दर्द ज़्यादा है। तो चलो फिटिंग करो, अब सब कुछ यहाँ लगा देगा। और क्या करेगा देखो, वहाँ पर रखा और यहाँ देखिए मशीन को घुमा रहा है। बूस नया लगा तो चाचा बूस खराब है वाला भी कटा है। वाह एकदम ठीक है, एकदम बराबर, तो एकदम बढ़िया बराबर बराबर खेल रहा है। तो चाचा कुछ सामान वगैरह दिखा दो, आपके पास क्या क्या सामान है। अगर कोई भाई बाइक लेके आएगा तो आप रिपेयर भी कर देंगे, आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देंगे। आप थोड़ा रॉड है हमारे पास, तो ये नमा के दिखाइए ना, पूरा सेट नमाइए यहाँ रख के। यहाँ हर तरह का बाइक का, ये कौन सा बाइक का रॉड है? डिस्कवर पल्सर बाइक का। और ये स्प्लेंडर ग्लैमर सुपर, स्प्लेंडर ग्लैमर। और आरटीआर और टीवीएस अपाची आरटीआर बाइक का। वॉयल सील कहाँ है? यहाँ वॉयल सील हुंडा साइन ग्लैमर। अच्छा, और ये बूस पल्सर डिस्कवर। अच्छा वॉयल सील और बूस गाइड। ये बूस गाइड जो है किस स्प्लेंडर? स्प्लेंडर साइन। अच्छा अच्छा, तो ये हमारा चाचा है और काफ़ी दिन से काम कर रहा है, तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, इसीलिए आप लोगों का कुछ कमेंट आया था कि स्प्लेंडर बाइक का शौका रिपेयर करके दिखाओ। तो चाचा ने आप लोगों को दिखाया स्प्लेंडर बाइक का शौका रिपेयर करके। तो गाइस अगर आप लोग व्यूअर हो और आपके पास अगर बाइक हो तो चाचा के पास आके आप लोग कर सकते हो। तो चाचा ये जगह का नाम क्या है? जगह का नाम है कलियाचक बलेडांगा मोड़। कलियाचक बलेडांगा मोड़। आपका कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा चाचा? हाँ मिलेगा। तो ठीक है गाइस, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में नीचे में चाचा का नंबर दे दूंगा, अगर आप लोग फ़ोन में बात कर सकते हो तो करिए, ठीक है। तो चाचा थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, आपसे मिलकर बहुत खुश हुआ। इस माई बाइक पर है, चलो बाइक पे लगाते हैं। तो लगाने के बाद आप लोगों को दबा के दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलो दोनों शॉकर लगा दो। तो गाइस फिटिंग कर लिया, अब दबाओ बाइक को। यहाँ देखिए दबाओ, ज़ोर से फस फस कर रहा है, ज़ोर से दबाओ ना यार, एकदम फस फस कर रहा है, ठीक है। और अभी 0-0 पे हम लोग रखा है, ठीक है। कंप्रेसर आएगा जब बाइक चलेगा ना, गड्ढे में गिरने के बाद ऑटोमेटिक कंप्रेसर थोड़ा हार्ड हो जाएगा, तो आवाज़ भी अच्छी आ रही है। तो गाइस इसी तरह से शॉकर रिपेयरिंग का काम करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।